इंज लगता है जिम्मे परस्तान की परी परस्तान का राह पुल के कट ते आ बैठी। सियाने कहते ने अपनी पसंद का फल डैडी नाल छड़ के नहीं चाहिए। परेशान ना हो मुटियारे, असी तेन कट को उठा के फिर अखा ते बिठा आए। तेरे वीर ने आपे ही तेन शाबाश देके तो टुर जाएंगे। कट जा, असी बदमाश हाँ जिन्हों के खौफ तो इलाके के थानेदार कभी नींद नहीं आई। ओए इलाके के थानेदार को जाके पुछ दे, तेन मेरे बारे दसेगा। मैं अपने सच्चे भरावां लई बदमाशी करन दे जुर्म च पिंडी अग नूं बाडर बना दिता है। ओए साढ़े को हर घर से कल तक पहुंचन का परमिट है। गाड़िया मेरी कड़ से गुड़ की बोरी पई हो मैं वे मक्खी नहीं बहन दिता है। ये तो फिर मेरे पिंड की इज्जत से मेरी बहन है। मेरे सामने आया ते मैं जिंदा नहीं जान देंगा। फिक्र ना कर, हुण ये जेलों कट ही आणगे। ले चलो मैनू। तेरी कैद अज खत्म हो रही है बिल्लिया, ते मैं तेन इस नसीहत ते धमकी नाल बाहर भेज रहा वा। जे अज तो बाद तू कानून नू हाथ विच लिया ते दफना लग्या तेरे दोवें हाथ थाने विच रख लवांगा। ला के भी रखोगे साहब बहादुर ते फिर भी तानू इन्हां नू हथ करी लानी पवेगी। बिल्ला जिस कौड़े ते काठी पा लवे उन्हें कदी बाग नहीं चीरी। तानू खोते ते घोड़े की पछाण होंदी साहब बहादुर, तुसी साडा कदी मत्था ना लांदे। ए सोच के सदर जा पोतरिया दे बिगड़े कदी चिते नहीं। मैं रस्सी फाड़ता नहीं, रस्सी दे पट कटना वा नादर। अपने भरा घर टोलन लग्या ए दस के टोरी कि जग्गा एक शरीफ आदमी है। जे उन्हें पिंड की इज्जत बचाने लिये गिरेबान से हथ पाया थी ते उहदा नूं हक पहुंचदा सी। जग्गे दे पिंड वल जाओगे ते कानून जग्गे दे नाल होवेगा।
कैद मुक गई है बिल्लिया, पर कैद कराण वाले का ना याद रखी। चक्के ने कैद तो चिड़ के सानू बेदत किया बिल्लिया, सू मारन तो पहला तू ओदी गैरत वाली रख जरूर बन गई। बिल्ला जलों मार जाएगा ते सारे चक्कर चक चू चुके जाएंगे। अपने अपने दुपट्टे ला के मेरी इस मां से बन दियो नी, जिस मां नू बेगैरती पा कह के चक्कर ने सब से हाथ खड़ाया थी। चक्के नू बुला नी जेड़ा अपनी गट तो गुड़ की बोरी नहीं सी चुकन देंदा, मैं अज ओदे पिंड दियां गैरतां दे रंग बिरंगे झंडे ओदी कबर ते कट के जाने ने। मैनू यकीन सी कि बेगैरती का एक तूफान एक दिन जरूर चढ़ेगा, पर सानू कौन दस्या जिस पिंड की छत से छक्का होवे उस छत ने ताजे वर्गे बेगैरत किवें आ सकते ने। कन्न फड़ ओए जो आख्या मन नोए। मैनू माफ कर दो भैणा, बंदे का पुत्र होएगा क्या भी समझ जाएगा ते अपने प्राण ही समझा देगा। जे कले मां ते फिर तू मेरिया ना पैरां दे थ्रू पूंछ मैं इस कंध नू कट ते पाके अड़े थाने छट के आना। चलो ए अच्छा लगा एक बार बड़े साहब दा वादा सी ना दे यो दे भरावां च कोई भी मेरे पिंड नहीं बड़ेगा। बिल्ले ने जेलों वापस आने ही मेरे पिंड की एक एक कुड़ी का सिर रंगा किया। मैं सिर से कोलो कटवा रहे ने पर मुद्दा साढ़े को लै वस्ता बादर तेन इसी साहब की नसीहत कि भुल गई है। नसीहत भी याद है जगे से लाए हुए हट भी वेखते वहां पर जवाब चक्के नू चक्के दे भूए से देंगा। चक्के दे बुए नू अपने बूथे दे सामने समझ रहे। फिर याद रखियो चक्या मैं तेरे बूहे से जरूर आवांगा। मेरा नाम कानून है, मैं तेनू चक्के दे घर का सौ बना देंगा। रोक के सामने आ गए मां दिया जगिया कौन विंगी अख अथरी ते पिंडा फड़का लगदा है ऐ शिकार कुछ देर होर जबान कौड़ी देन गंदा लगदा थाने दा घेरा होर लुआएंगे।
पाई लगेगा पर थाने का नहीं कब्रिस्तान तेज कोई फेरे तेरा सारा टब्बर उठा चुका दे अपना ना दसनी अपने नसल दसे जड़ा नसल पूछे उन मैं नख पा देना वनी ए नख मैं तेरी पैन दे नख विच पाके अपने वीर दे लगे हुए पिंडे ते ओना निशाना दा हिसाब लेने जिन्नू तू थाने च छड़ा है अच्छा ते तू इस बिगड़े हुए आवे दी इट्टे मैं इसका जवाब पत्थर नाल देण वाली सीता ए हो जी जित बयान लई मोटे नाल मेरे वर्गा एक चक्का चाहिदा नी देख हवन दे बहरवान दी देरे ए जगी मैं अपने टांगे अगे बन के ले जावांगी वाह कदी नहीं नहीं के रब उन्हां नूं हमेशा जेल च ही रखे ये बार आ गए ते चक्के ने उन्होंने मार चलाई ये कौन ने वो चक्के दे भरा ने तेन पता ओए चक्का ते शराफत दा सब तो वड्डा पुत्त है ओदे भरा जेल किवें आ सकदे ने अजकल दीयां भैड़ियां नस्लां च वी रन्ना दे आशिक ने चक्का अपने हत्थी इन्हां नूं जेल दे बूहे के सुट के गया हर बार तेरा जग्गा जेल पहचान आई मां हर बार अस ये सोच के बाहर आने तेरा जग्गा साले सीना लाल ले सामने खलोता होगा रोज सानू अपना दुश्मन समझन लग पे ओनू समझा ले मां कितरे ना वे कि अगली बारी चक्का मार के जेल आ जाइए ए कम सातो ते चक्का भी ताडे वर्गा पे गैरत हुंदा ते लोका ने मेरे खून ते शक करन लग पेना वे ताडियां बीचियां पिंड दियां तियां पैना नू वढनियां पैंदियां ने वे तुसी नादर बदमाश ते पिंड दे इक कुड़ी नू छेड़िया सी ओने ताडे पिंड दियां सारियां कुड़ियां दे सिर नंगे कर दित्ते ने असी उस पिंड सारिया कुड़िया चुक लिया सानू वेख के उन्होंने कड़े टिक पैणगे Oh,
तैनू साडियां पावां च वेख के ना तेरे बदमाश ने वारस साफ समझ जाणगे अगे तो साडा पिंड आन दियां छेतर की ने
ते फिर इन्हां नूं हुक्म कर माफ ए मेरे अगे लग के थाने चला लग का थाने सारी कट गया और तू कौन है मां दी हक कड़ी लेके जाएगी ले वे चकिया तू भी अपनी जिद पूरी कर ले मेरे भी ये बहना सोच के ले आया था कि अपनी कली कली धी नूं गोली मार देंगा पर तेरे पुत्र की गलत देखी है तो गोली बंदूक चो बाहर सुट दी फिर इस यकीन बंदूक खाली रख भी रहा तेरी धी नूं कदी भी तत्ती बांध रखी तो कोई ना कोई चक्कर जरूर आवेगा पर मेरी समझ ये नहीं आई कि तेरे पुत्र नादर बदमाश की भैन चुकन की बजाय मेरी धी को चुकन आ गए तूफान एक सब तो पहले ओही रुख दिखता है वीरा जिदी चढ़ कमजोर हो गई पर आज तो तेरी गैरत का थम चका है तेरी धी नूं तत्ती वाह भी नहीं लग सकती तत्ती वाह लगे ना लगे पर फिर कहना तेरे पुत्र नाम लगा अपने थाने का गंद अपने थाने के बूहे अगे रखे घर साहब बादल और घड़ी घड़ी अपनी मां का सिर नंगा करके इन्हों के हाथ मेरे को नहीं उबने जाते इन्हों तेरा की झगड़ा है जवान जिस दिन मेरे हाथों किसी बगैरत न छुरी वज जाएगी साहब बादल उस दिन तुहानू आप समझ आ जाएगी कि मेरा इन्हों की झगड़ा है इन्होंने कुड़ी नूं छेड़िया इन्होंने की किया ये बेशक मेरे सामने पूछ लवो पर ये मेरे कौन ने ये मेरे जान तो बात पूछ लो इसलिए कि तुहानू यकीन नहीं आ सकेगा कि शेरनी दे घर सूर भी जम सकते सलाम अलैकुम ए तुहानू हुण बाहर आके दसांगे कि साडे विचों शेर कौन है ले जाओ इन्हों यस सर जवान कौन सी सर एदा नाम जग्गा है ते तुसी ये सुन के हैरान होवोगे ए दोवें गुंडे दे सके भरा एक ताली दे दो फुल्लां च इन्ना फर्क पहली बारी तक है सर एदे इलाके च भरा ते की ओदा प्यो भी होवे ते ओनू भी अपनी अख इस तरह तो नीवी रखनी पैंदी गुड जग्या मैं तेरे बूहे से जरूर आवांगा केड़िया सोचा च पै गया पुत्र वे तू भरावां नूं थाने देखे कोई जुर्म तो नहीं किया मां जिनी छेती हो सकता ही गुड्डो का विह कर दे मैंने तो तेरे नाल भी बहुत ही फिक्र है पुत्र पर की करा पिंड वालिया ने बदमाशा नाल तेरी दुश्मनी वेख के साडे घर वाल कट कर दे तू जिन्ना दे पार नूं मोढा दे दे के हर दूजे दिन फट खाना है उन्होंने तेरा पार बंडाण तो इनकार कर दिता एक क्यों नहीं हो सकता मां मैं जिन्हों दियां भैन की खातर अपने सक्या भरावान रिश्ते तोड़ लेने वो मेरी भैन का रिश्ता लैन तो इनकार किवें कर सकते मैं सच कह रही हूं पुत्र वे चढ़ा चढ़ा बुआ खड़काया है एको ही जवाब मिले है असी एक पार नहीं चुक सकते जी गल मां तो फिर मैं अज पंचायत जावांगा दिया तुहाडियां दुश्मन तुहाडे दिया दे प्यो भी जिंदे उन्हां दे भरा भी बड़े जीदार ओए जे फिर भी मैं तुहाडियां दिया दे सिरां ते दुपट्टे देना वा उन्हां दी इज्जत बचाना वा
हूं तो समझ जाओ कि मैं तेरा कुछ लगना वा। मैं कला तुहाडे पिंड दा पहरा दिया, तुसी सारे रल के और मेरी भैन का बार ना चुको। ए पुत्री नहीं री भैन जोड़े दे सकने, बच्चा दे सकने, पर नादर बदमाश का टक्कर नहीं ला सकते। उसकी भैन ने पिंड के बंदे बंदे को दस दिता है कि उसके वीर की जंज तेरे घर आनी है। नादर बदमाश मेरी भैन का दुश्मन तेरे फैसले बने पंचो, मैं भरा का सिर ताड़िया तिया पैर के पैर ही छुट्टिया। मेरी साथी कोई दुश्मनी नहीं, जे तिया पैर की इज्जत बचाने का मुल कुछ छोड़े कुछ बच्चा ने तो फिर तुम मैं उससे दसना सी जिले पिले बदमाश दिया बहुतिया तिया पैर से समुचा सा। फिर मैं उन्हू मारन के बजाय तो सारे बुए मच लिया के बंद तू नादर बदमाश को माफी मांग लिया तो अभी तेरी भैन का रिश्ता लै आवे। जे तू उस को माफी नहीं मांग सकता तो फिर तू अपना पिंड बदल दे, असि नादर का भार नहीं चुक सकते। आ मेरे नाल मैनू कलिया छा जाओ, मैं तुम कदम भी कलिया नहीं छड़िया। मेरी भैन तारी भी तुझ लगती है तारी भी सदे पेड़ लिया। खुशी ते खुशहाली नु छोड़ देगा जगन्नाथ। कुछ समझ आई हूं थाने दे बुए दे गज्जण वाली जद बस्ती ते तेरा की हशर होने। पानी किन्ना उच्चा भी क्यों ना होवे मुठियारे, मैं अपने सिर तो कदी नहीं टप्पण दिता। वे तू इस पानी विच नक डोब के मरना जगिया। तवा करन वाले नू मैं नक नक ले आना वा मुटियारे। वे हाले ते सिर्फ मेरे वीरां दा नां सुन के तेरे सजना ने तेरे कंड कीती है। जरा सोच जदो तेरे पिंड आवड़े उदो किस सजन दा नां लेके आवाज मारेगा। बोल वे पैणा प्याणेगा जां उदा घर लभण लई तेनू हाली कुछ मोहलत चाहीदी। गल सुननी मूह सोरे, जिस धरती ने टका जमया उस धरती ते चक्के दी भैन दा वर भी जमेगा। वर तेनू कदों मिलेगा? ओ वर तेनू मैं विखावांगा। तुईए बुढ़िया जे उम्र तेरी इबादत करन दी है, ऐस उम्रे मोए पुत्रा दा मुंह वेख के दिल दा दौरा पै जांदा है। ब्याह का शगन समझ के रख लख लख ल मेरा बेटा। ब्याह दिया बाकी शर्त इस कुड़ी को मैं आपे पूछ ला। शर्त कोई है अपना पुत्र ते मेरे नाल आ जा, जे वीर किरे बड़ी ही दूर नहीं ते मेरे को पिंड का नक्शा ले। सिर्फ अपने पिंड का ना दस वे बुढ़िया। मैं उच्चे पिंड का रहने वाला वा कुड़िए, जिथे मेरे पुत्र ने कभी उच्चा दुख बर्दाश्त नहीं किया। वीर भेजे तो उन्होंने दस गई सिर नीवा कर दिता। गल फिर सुन दे, मेरे बंदे अज जाएंगे ते तेरे पुत्र का सिर लेके आएंगे। जाओ पुत्र का सिर लेके चक्के दे बुए ते रख के पूछ लेना कदों मेरे घर आवेगा। जावे की फैसला होया पुत्र? अपने गैर होए ने ते गैर इंसान अपना बन गया मां। की मतलब? जे उन्होंने घर जग्गा नहीं ना ते जग्गे वर्गा कोई जरूर है, नहीं ते नादर बदमाश की भैन रेशमा के सामने खलो के मेरी भैन दे शगन ना दिंदा। उस रमे तो फरिश्ते ने कितने छड़ा है पुत्र?
वो शगन दे के तुर गया मां, पर उसके पुत्र नु कतल करना से नादर बदमाश के बंदे उसके मगर गए। हम रिश्ता मैं उदो पक्का करना है मां, जदो रेशमा के गुंडे आप आके मैं कहे कि गुड्डो की टोली नहीं उठ सकती, तू हां कह दे। शगन फड़न तो बाद पनमैये वाल कंड करके आप घर आ गए, जल दफा हो जा, जाओ ते पीछे जा, जे तेरे हुंदिया दिखता ये शगन मैं आप वापस कर दिया। नादर बदमाश दे गुंडे ते पिंड बर्बाद करके पिंड वालों चुक के लै गए ने। ओए जे उन्हां गुंडियां दे पिछे आए ते पहलो ऐ ते पुछ ओ गुंडे किथे ने, जड़ा दस सकदा उन्हों बुला लै। ओए दसन ते पुछन आला इस पिंड च कोई बंदा है ते ओ तेरे सामने ओ सुता है, एदे नेड़े जान तो पहला इन्ना सोच लई इनू जगाने लिए इस पिंड की पूरी बर्बादी का तावान तेरे कोल होना चाहिए। जे इस काबल नजर आया ते तावान भी दे देंगे। जल तू जलाल तू आई बला टाल तू, ए पढ़दा 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 नस जाए थो ते मैनू बेआराम ना कर। जे इंसान है अखा खोलो ते जे शैतान है ते गल पै के देख ले। कल पई जा लवेगा। उठ ते सही, जदों तेरी कल पटी नू त्रेड़ पवेगी ते तेनू इंज लगेगा जिवें तेरे चारों पासे ढोल पै बजदे ने। आण आले बदमाशा दी बाएं या राह चलदी पिछे। ओए वेला आया ते तेनू आप पता लग जाएगा कि मैं कौन। मैनू ना छेड़ो ए, ना छेड़ मैनू, मैं ओ कंबला जिनू चिंबड़ जावा ओदा कब्र तक पिछा करना वा। चो इको चाल चखी दे जो मैं चख लिता। ओए मैं तेनु पूरी देखवा के पिछका। पहलो मैनु बंदे विखाए जिना तेरा पिंड बर्बाद कीता है। इन्हों ते तू सलामत वेख रहा पर तेनू टोटे टोटे करके इना ड्रमा विच पा दिया। कुछ वेखना सी वेख लिया ते कुछ दसना सी सो दस चलिया। वा जगह कौन है
ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਵੀ। ਓਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਓ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਨਸ ਉੱਠਿਆ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ? रब ने तेरी धी बड़ा सोहना वर दिता है। हूं तू मैं यह नहीं कहना कि पुत्रा कर छेती आ गई, इसलिए कि मैं अपनी भैन का ताज इकट्ठा करने रात दिन कढ़ वाणी। बड़ी कितने घर लैके चली है? ए सब कुछ तेरी पहले ही जग गया। सारी दुनिया का मान कटी जा रहे हो, ए भी चूको। एदा मतलब है कि तू मेरे एहसान का मुल पाया? नहीं नहीं जग गया, ए सब कुछ इसलिए आंदा है कि तिया पैना सब दिया सांझिया होंदिया ने। ए सुन लिया जे मिया जी, ए तिया पैना सब दिया सांझिया होंदिया ने। मेरा नाम चक्का है, चक्का। मैं अपना जोर से जिद बखावा ते लोग अपना सिर तली ते रख के सामने आ जाते हैं। मैं फकीर नहीं के कुछ जोड़े लेके सामने आ खलोती है। जोर मेरे पीछे आ खलोवे, जिदा नाका है ना पीछे। वे तोहफे देने की रस्म ते अजल तो आ रही है। सिर्फ खजला दे आंदे ने। फिर तू कबूल ते कर, सज्जन भी बन जावांगी। सज्जन बन जाए सब कुछ तेरे ताज च आ जाएगा। एहो जेही सज्जन बनागी के तेनू सारे दुश्मन भुला देंगे। पवन दिन से
Thank you.
अपने पिंड से घर कब्रस्तान अगर वीरान वेख के तैन समझ जाना चाहिए कि तेरे बुए से तेरी धी की जंज लैके कौन आया। मैं पूछनी हाँ कौन हो तुसी? वापसी से तेरी धी जन दस देगी। तू जगे ने सिर्फ यह दस देवी कि नादर बदमाश के भरा लगी कालक ओदी बहन अपने अथरू नूं धोवेगी। वापसी से यहो जिहा दाग लैके आवेगी जिन जगा अपने लहु लहु नहीं तुस गई। ताड़ी खुशकिस्मती सी कि जग्गा अपनी भैन का पट आया गिरे बान लैके थाने तुर गया सी। नीते मुंह ते लगी कालक दी थां एथों लैके ताड़े डेरे तक जग्गे दे कीते कतलां दा ढेर सारा जग देखदा। माई असी भी सारे जग नूं दस्स जावांगे कि जग्गे दी भैन का जशन कित्थे कित्थे होना ते कदों होना। बस तेरी ए पुल कुछ मां दूर कर देगी ते कुछ इस मां दा जग्गा छेती। चलो साहब जी, दो घंटे बाद मेरी भैन की जंज भी आ जानी है। फिर की होया, अद्धे घंटे का सफर है। बह जा नाले, मैं भैन देकर खालियत की भी जावा। जोड़ा मंगवाया है, आंदा ही चलते। साहब जी जोड़े से मैं बड़े लै बैठा वा। मैं डर है उस नादर बदमाश का जिन्हें मैंने धमकी दी है कि एक जन मेरी भैन की बूहे तो वह भी ले आएगा। वो ऐसी दी तैसी, वो सिर से पैरा मेरे थाने का होवे तो डेरियों बाहर आ जाए, ये की हो सकता है। जोड़ा हाजिर है सर। चल मां। वे बदमाशा नाल जुद होवे ते पैरा दे बूहे से नहीं दे। नाले बदमाशा को पत्ती लैन वाले ने कभी शरीफा का साथ नहीं दिता। जे भैन की इज्जत बचा सकते तो बचा ले, तेरी भैन को बदमाश चुक के ले गए। शरीफ करां तो दूर कर दिता जाएगा। जिन्ना भी दूर करते जाओगे साहब बहादुर, ओना ही नेड़े होंगे जावांगे। अगे ला गए जी।
चांदी किसे ने ते मेरी भैन का घर बर्बाद क्यों है? तू भैन नु बस ज्ञान बड़ी देर कर दी है पुत्र वे जान टर गई है। ऐ की कह रही है मां? मेरे को लो पूछो है चाचा तू तैनु आख्या सी ना जगया खुले मैदान में खलोते हुए लुकतियां जना किनिया भी गहरिया हो तूफान च डोल जा तू आख्या सी ते तेरी भैन के पैरों में भूचाल नहीं आ सकता ते तुम में पै गई ते जवान ही चुकया जान ली चाचा और जाए किधरे मुंह काला करके चुप मार शायद तेन जगा कहद्या जमन वारी शर्म आ जा चाचा मैं अपनी भैन नु वापस ले आया वा चकिया जिन्हां दियां धीआं भैणां दा वेला बदमाशां दियां बाहां विच कुतरे उन्हां दी वापसी दा सफर किसे अन्ने खूह च खत्म होंदा चाचा चाचा हौली बोल चकिया ते तेरी आवाज सुन के लोकी बूहे खोल के बाहर आ गए ते बदनामी दा अद्धा भार मेरे मोढ़ियां ते आ पवेगा ते ए भार चुक के मैं वापस घर नहीं जा सकता। रहमत खान अपनी इज्जत वाल ना वेख इहदे पैरां दे छालियां वाल वेख इहना तेरी इज्जत टुर के नहीं इह दौड़दी आई है रहमत खान दौड़दी आई है जे इहदा सफर कुछ लम्मा हो गया तेनू माफ कर दी समझ लै के इहदा विआह थोड़ी देर बाद सी हाय खूह दा पानी किसे वजह नाल गंदा हो जावे ते उहदे विच कोई मूंह नहीं पाउंदा पिंड अपने अपने घर के बूहे खोल के फोन आ जाओ देखो मेरी भैन उजर गई जे चाहते रहमत खान रब का वास्ता दे के आखो कि मेरी भैन से ना गए सामने पिंड जगिया मेरी भैन कुछ देर तो माठा पर रह के आई है ये सफाई कौन देगा कोई है सबूत खड़का के सारी जगीर अज तो बाद
जिन्हें तेन सोरिया घर पहुंचाने का वादा किया दस ओ लाला किथे वे जिन्हें जगे दे जिंदिया जंज चाड़ी तेनु पता भी होवे इस जगीर दार जवान कुड़ी पहली रात इतने गुजार दी है तू जंज बुलावे तेनु जरूरत किस जगह ने दी है जगे नतवा देना लियो कोई हो जा चक्का जमन ने भी दुआ करो जरा तू जगे को बतावे रब करे जगिया तेरी जगीर कोई तेरी भैन जवान ना हो तेरी जवानी नु किसे दी आई आई तो सुता ना उठे जगिया तेन रोन वाला कोई ना हो बदवां भावे लखां ते करोड़ां दे पर सिर ते कज लै मेरी भैणे इत्थे आण वाली हर वोटी नूं एक रात रहण दा ताक जरूर लग जांदा है पर इस ताक दा दुख भैण नालों वध चके नूं हुंदा मैनूं अपनी भैण दी कसम है कणां मैं बड़ियां चुकियां ने पर अज तक शक्ल मैनूं किसे दी याद नहीं इसलिए कि चुकियां सिर तो उचिया करके ने तो नजर उन्होंने पैरों तो भी थले रखे ने जे सब कुछ सच है तो फिर एक गल पूछ सकनी हां तू पहला की सोच के चुकना है जे अथरू अपनी अखा तो वध मेरी अखा च नजर आन तो फिर यकीन कर ले कि मेरे को इस दुख का और कोई दारू नहीं पर मैं अपने दुख उस कानून जरूर दसांगा जिन्हों मेरी भैन से भुल गई है पर जग आज तक याद शगन दिता सी भैन चुकी गई थी पर भी ते मन चुकन चार आए सन वापस पन्ना चक्का लेके आए जरा सोच वे भैन दे बुए ते हुंदा तेरे पुत्र दी जंज डोली नाल तिन्ने कु जनाजे वापस लेके आ मन्ने ओ भैन दी डोली नहीं तोड़ सकिया पर तुम्हें ते मन आज तक उस इलाके विचो कोई भी डोली नहीं तोड़ सकिया सोचे ते आज हर बुए पिछे रोन मरियां तियां दी अखां च अथरू तेरे दिते होए ने ना तू नीवी पा के तुरन वाले जगह नु अपना पुत्र वखांदो ना ही जुद पैंदा ना चक्का चक्का बनदा नी चक्का बन के उन्हें केड़ा सप कट लिता है कमजोर बनना चुका नी मदा दे पाची मैनू चुक के वहां दा खैरत मन जमे है कुड़िये तेरे समेत सारे टब्बर नु चुक लिया नी मैं आज तो पहले ओदा पूरा टब्बर मरवा देंदी औरत होके औरत में जलील कर रही है कभी सोचिए ही औरत से रब ने जिंदगी का निशान बना के जमीन से उतारी गई औरत बन जा कुड़िए ना तू अपने प्रावा नु शह दे ना ही मैं अपने पुत्र नु शह देनी हां
लोगों दियां भैन चुकन वाले जगे तो जे इस मां नफरत हो गई है लोगों दियां तियां भैन चुकन वाले बेगैरत भरावान नाल रिश्ता तू ही तोड़ दे नहीं लीला क्यों लैन लग पई है हाले तो तेरी धी ने कई बारी चुकिया जाना सुन है रहमत खान ए ना समझी के सिर्फ मेरी धी ने चुकिया जाना है ये भी सोची जे अद्धे लोगों ने चीता मार दी कुड़ों नू मेरी सी कहने जैसे लोग कने भी कहने कदी ये रहमत खान दी होन वाली नू जे यकीन नहीं होंदा ते थाने दी ऐसा यार पड़ ले जे दी पहली सतर इस तेरा ते तेरे पुत्र दा बयान है कि नादर से ओदे भरा जगे दी उस वैन नू चुक के ले गए सन जिनू रहमत खान दा पुत्र शेर खान बयान आया जे अपनी नसल दा एक एक दीवा बुझाना है तेरे विच नक दो विद्धी पहाड़ा नू धक्के दे आ गई शुक्र है किधरे तेन गैरत आई जे जगे दी भैन ना ब्याह सकना है रहमत खां लई ताना है ते हुण मैं तैनू व्याणा वांगा शेर दे मुँह चों दंद फड़ना चाहना है ते ओ वी हथ नाल कुत्ते दी पुछल सिद्धी करन लगा वा लाड़िए ते कर लवांगा रसम ते ए वे के मुंडा कुड़ी नू व्याण जांदा है पर हुण तू गोटी बन के सुआ जोड़ा पा के मुंडा व्याण आएगी तुसी दावा हमेशा उदों करदे हो जदों मेरे वीर जी कबूतर पिंजरे विच होवे ते सगों पास दे पंजे हथों महफूज होंदा है लाड़िए जा चली जा हुण तेरे वीर आप तैनू वोटी बना के मैनू लैणा ऐ जुलम ना करी शमशेर खां तेरी मंगेतर अज भी मेरे घर च तेरा इंतजार कर रही है मुर्दे दफना दई दे ने माई ते हुण साडा युद्ध जे लालियां बिजा नाल जड़े जिंदा संत वेखन कदी कोई नहीं आया अज मिलन लिए कौन आज लगता है साडा यार हीरा आया ए ओ हीरा है जिनू चट के तू मर जा कौन है तू बॉडी भैन दा घर वाला तू की बकवास कर रहा है भैन दे घर वाले नू वेख ते इंज पड़ के हो जिवे तुसी भैन ब्याहनी नहीं बेचनी है तू सिर से ना दस दे कौन कौन तेरा वारस है ते इस सवाल दा जवाब देन ते असीं कित्थे आ जवाब लैण लई मैं तुहाडे लई स्कूल भी खोल लवांगा ते हुण कन्न खोल के सुन लो मेरा नाम शमशेर खान जिस दिन इथों निकलो ए सुआ जोड़ा अपनी पैर नू पवा के ए मुंडा ब्याण आ जा तैनू फलदी ते तेल पाण दा हल आता है असी तैनू अग सेकन दा जसका पा इतने जगे की मां से भैन रेंदे ने खान साहब मैं जाल बड़ी ठीक ठाक बचाया है वो अपनी मां से भैन नू मिलन लई इत्थे जरूर आवेगा
ਸਾਰੀ ਦੇ ਦੇ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੇ ਭੈਣ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਥਾਣੇ ਆ ਕੇ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ ਸਭ ਬਦਰ ਮੇਰੇ ਤਸਮਾਂ ਤੇ ਇਹ ਲੂਣ ਨਾ ਚਿੜਕੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਾਰੀਖ ਲਿਖ ਦਿਆਂਗਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰੇਗਾ यार हुके दी नड़ी पना कर मैं नहीं पींदा कोई भी आवाज कटेगा तो मैं तेन मार देंगा यार मैं कहना सौन दे आराम ना किस किस्म का नशा ही है जगह साहब सलामकुम ओ मेरे पीछे पुलिस लगी हुई है मैनू अपने कपड़े दे दे कमाल है तुम्हारे पीछे पुलिस लगी मेरे अगे कुड़ी लगी लो इसे को चंगे ने कपड़े नीचे पाँदा लुवा लेंगे अगले हालत लगो एक तबीयत तेन मैं ऐश करने वाला पता है शो के तो ने या कपड़े पान दे या फ्रूट खान बकवास बनकर ऐ दस एक ही चक्कर तू इधर है ते और टांगे च कौन है मुश्तडा दसा दस ओए है जगा जिने ला लिया मेरा धोती जगा जगा आ अजा फीने ले जा नमी लाडू मेरे पीछे पुलिस लगी हुई मैं सब सुन चुकी हूँ पर्चे मिल पे ते मेरे होने आप पुलिस तेरे के लिए फंस गई चला डालना ए बंदा मैं पर कपड़े नहीं बल्कि कपड़े मेरे ने बंदा को ओरे मेरे पीछे पुलिस लगी हुई है मेरे पीछे जगह भी होवे हौसला चके नो बंद रखना लो एक लोटे तो बद नहीं होना गला इस तरह करना जिम्मे हाथ नाटे चीरना हाथ वेखना चाहना ते हाथ जोड़ी करना हाथ मैं ओदे नाल मिलाना वावे जेते हाथ च मेरे कद तो लम्मी कतला दी लकीर नसानिया रन्ना
ते दौड़ना कंड करके ते दावे कतलां दे और नहीं एडी वडी लाश दा मान रख लेंगो सप नू तोड़दिया वेख के ओदी पूछल ते पैर नहीं रखी दा हुंदा ए शुकर कर रब दा जदों तू मेरे सामने आए मेरी कंड पिछे पुलिस पुलिस दा पार सिरो ला दे सब तो वडी टोपी वाला भी आया ते मेरा बुआ वेख के वापस चला जाएगा पुलिस महीना देना है तू इस गल दा मामा लग ले तैनू पुलिस तो पना चाहिए ओ मिल जाएगी पर एदी कीमत देनी पड़ेगी कीमत ऐस नहीं कि मैं कराए दा बदमाश हां प्यानू भी पैसे लेके प्यों कहना हां जिसले मैं खाली जेब हुआ ते फिर फिर तैनू इत्थे छड़ जा पैसे भेजे तैनू ले जा तैनू पैर करेंगा ते लेके जावांगा नहीं तैनू परचाई मनेगा ते ले जाएगा मां जगे ने अपनी गल प्या के जानी हो अच्छा जगा तू है मैं वो जगा वा चला खाली घोड़ा भेज दिया ते तेरे ऊपर के बदमाशा दिया लाशा ओदे ते आ जांदियां ने ते तू मेरे मोढ़े नाल खलो के मेरे कोलो मेरी मन मंगे ए किवें हो सकता है अपनी पैर मनाए तू यू परचाई मनाए मां चके दी नहीं मां पे तेरे पो मन ले जो जगा कहता है खुदा ने चो करी जो तेरा दिल कहता है मैं कभी संगा बन के नहीं टाया माई इनू को जिस वेले दा दिल करे मैदान ला लवे मैं लोटे दे रिश्ते दा फैसला जगे दी मां ते भैन हाजिर ने सर तैनू तेरी धी समेत थाने बुलान की तकलीफ इसलिए दी है कि जग्गे नू फड़न दी साडे कोल ए आखरी सूरत है सानू थाने बुलान तो पहला ए ते दस देना सी साहब जी कि साडा मामा धियां दा कसूर की है इहो सवाल जग्गे दियां चुकी होई धियां दे पिओ तेरे कोल पुछना चाहते ने धियां चुकन वाला जग्गा मैं नहीं जमिया साहब बहादुर ते ना ही ओदे इस जुर्म नू मैं कदी जायज़ के ते फिर उहनू गिरफ्तार क्यों नहीं करवा दिंदी मां जो हुई मैं तो उदे थले कदी गिला कपड़ा नहीं सी रखिया साहब बहादुर ताड़ी गोली अगे किवे रख दिया तेरी नजर च किसे दी धी भैन दी किन्नी कु इज्जत होनी चाहिए साहब जी ऐसा जवाब मेरी चुकी हुई धी कोलो पूछ लो तेरी चुकी हुई एक धी है जगे दिया चुकिया हुई कर कर रो रही ने एक पास बिठा दो बापू हाल पेश करो ओके सर
ਵਾਲੇਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਅੱਪੂ ਖਾਨ, ਤੂੰ ਪਠਾਨ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਕੋ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਮਤ? ਅੱਪੂ ਖਾਨ, ਪਠਾਨ ਦੀ ਗੈਰਤ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਫਰੰਗੀ ਅੱਜ ਵੀ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਲਾਕਾ ਗੈਰਿਕ ਛੱਡਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਇਹ ਬੇਗੈਰਤ ਪਠਾਨ ਕਿਸ ਬਹਾਰੀ ਜੰਮਿਆ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਮ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਤਾ ਹੈ ਆਪਕਾ ਨਜ਼ਰ ਮੇਂ ਵੋ ਜੁਰਮ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਹਮਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਇਸਕਾ ਫੈਸਲਾ ਉੱਪਰ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਟੇ ਪਰ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਕੇ ਘਰ। ਅੱਪੂ ਖਾਨ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਹਰ ਮਾਂ ਹਰ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਜੋ ਕੁਛ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੰਸਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਿਓ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ? ਉਹ ਜਬ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਮਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਤੇ ਤੋ ਆਪ ਹਮਕੋ ਰੋਜ਼ ਬਰੋਜ਼ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਤੇ ਇਧਰ? ਆਪਣਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਤਾ, ਹਮਾਰਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਹਮ ਜਾਤੇ ਸਾਹਿਬ, ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਦੇਖੋ ਬੱਪੂ ਖਾਨ, ਮੈਂ ਚਾਟੀ ਚੋ ਕਿਉਂ ਹਰ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਕੱਢਣ ਦਾ ਹਾਥੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਂਗਲ ਪੁੱਠੀ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਔਰ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਭੈਣ ਸਮਝੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚੋਂ ਕਢਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਤ ਮਰਦੋਂ ਵਾਲਾ ਕਰਨਾ, ਪਠਾਨ ਮਰਦ ਕੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕਾ ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਵਾਲਦਾਰ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਲਾਓ। ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ, ਨਹੀਂ, ਹਮ ਬੜਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਆਦਮੀ, ਐਸਾ ਪਾਕ ਕਿਤਾਬ ਹਮਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਲਾਓ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਮਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਲਾਓ। ਇਸ ਕਲਾਮ ਪਾਕ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਹੈ? ਕਿਆ ਬਾਤ ਕਰਤਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਕੋ ਪਹਿਚਾਨਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੋ ਦੋ ਜਹਾਨ ਕਾ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਕਲਾਮ ਪਾਕ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ, ਹਰ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਭੈਣ ਸਮਝੇਗਾ। ਤੇਰੀ ਕਸਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀ ਕਲਾਮੇ ਪਾਕ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਤੈਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਮਝੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਮ ਇਸ ਪਾਕ ਕਿਤਾਬ ਕਾ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਬੋਲਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਕਾ ਮਾਂ ਬਹਿਨ ਕੋ ਆਪਣਾ ਮਾਂ ਬਹਿਨ ਸਮਝੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਪੂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਓਕੇ ਸਰ। ਜਾ ਸਕਦੇ? ਢੇਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬ, ਢੇਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮਾਂ ਜੀ, ਤੁਮੇ ਇਧਰ ਕੀ ਇਧਰ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਚਲੋ ਆਓ, ਚਲੋ ਘਰ ਚਲੋ। ਪੱਪੂ ਖਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ? ਇਹ ਆਪ ਹਮਸੇ ਨਹੀਂ, ਕਲਾਮੇ ਪਾਕ ਸੇ ਪੁੱਛੋ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸਕਾ ਕਸਮ ਉਠਾ ਕੇ ਅਭੀ ਹਮ ਬੋਲਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਕਾ ਮਾਂ ਬਹਿਨ ਹਮਾਰਾ ਮਾਂ ਬਹਿਨ ਹੈ। ਓਹ, ਜੱਗੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਹੈ। ਹਮ ਕਿਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਗਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਤਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੀ ਜਗੀ। ਅਬ ਯੇ ਪੱਪੂ ਖਾਨ ਕਾ ਮਾਂ ਬਹਿਨ ਹੈ, ਔਰ ਪੱਪੂ ਖਾਨ ਕਾ ਮਾਂ ਬਹਿਨ ਤਾਨੇ ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਆਓ ਮਾਂ ਜੀ, ਉਠ ਆਓ ਕਿ ਨਾ ਆਓ, ਆਓ। ये पप्पू खान का टाल है, इधर हमारा इजाजत के बगैर ना कोई आ सकता है और ना इधर से जा सकता है। चलो अंदर। पप्पू खान, जे तो मेरी दीदा मुल वटली मैंने मां किया है तो मैं इतने दस दे, मैं इस चार दीवारी फाई पालांगी तो तू मेरी दीदी बोली लुआ ली थाने और लियान दे आसान की कीमत इस तो वध नहीं दे सकनी। देखो मां, सारा रास्ता हमने तुमसे कुछ नहीं पूछा, तुम भी हमसे कुछ न पूछो, बस इस बच्ची को लेकर आराम से उधर बैठो और उसके बाद तेल देखो और तेल का दाग देखो। चकिया,
दिन ना जमती। जगिया 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 सीने तेरे शक दा वजिया। जगिया 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 सीने तेरे शक दा वजिया। पीड़े हो जाए उठी वे मैं गई लुटी पुटी। पीड़े हो जाए उठी वे मैं गई लुटी पुटी। लवा पाके पुटे मैं जगिया जगिया। सोचे कि जिन्हों गोटियां तो चुप एक रात ली रख ले मैं
उन्होंने इलाका गैर का गुंडा पप्पू खान अगवा करके वेच देना। तेरा उन्होंने भरा का रिश्ता एक रात का ही जगया, पर पप्पू खान के हाथों च रोण वाली भैन जगे नूं वाजा भावे ना भी मारती होगी पर याद जरूर करती होगी। जग्गा ते लोकी उन्हूं कहंदे ने जगया, जिहदा नां सुन के बगैर तुहानूं अपने प्यू भुल जाण। जे सवेरे हुंदिआं पैणां दे सौदे होणे ने ते फिर अपना नां बदल के किसे कोठे ते तुर जा। अगर दुश्मन बन कर आए हो तो हवाई फेर न करो, कोई गुला छिलाओ गुला। ओए गोली तक कदे शेर नु नहीं मारी, तेरे च कितड़ नु की मारनी है। और कुआड़ी लेके अगे बात होए, जग्गे ने तेरी भेड़ नु चुकनी। कसम पा खुदा, छोटे कद का ये पप्पू खान अब तुमको पहाड़ से भी ऊंचा नजर आएगा। मान गया जगह, मान गया तुम बहुत बहादुर आदमी है, पर खुदा का बारा यह तो बताओ कि पप्पू खान के साथ तुम्हारा दुश्मनी क्या है। वो हम इधर पंजाब में तुम्हारा मेहमान बन के आया, क्या तुम लोग अपनी मेहमानों के साथ ऐसा सलूक करते हो? ऐसी मेहमानों ने अपनी जान देने आ, पर आन नहीं मेरिया चुकिया या गोलिया करके सातों पार ले जाके बेचे ते चक्का तेन माफ कर दे। हो सकता है तो इसलिए तुम हमारा बेन को उठाने के लिए आया है। सब्र करना बच्चा, सब्र करना। अब चलो, आज हमारा बेन का नीलामी है और सबसे पहले बोली ये जगह देगा। आप देखो जगह, गौर से देखो, ये वो सब लोग हैं जिसका बेन बेटियों को तुमने पैर उठाए और पैरों में उठाकर अपने इलाके में ले गया। पूछो इस बाबा से, हम तुम्हारा लड़की को अपने इलाके में लेकर गया और उधर जाकर उसका हमने अपना भाई से शादी बनाया। बनाया कि नहीं बनाया? इससे पूछो, हम इसका बेन को अपने इलाके में लेकर गया और उधर जाकर अपने चाचा के लड़के से उसका शादी बनाया, बनाया कि नहीं बनाया? कसम पा खुदा, हम इधर से जितना लड़की को भी उधर लेके गया सिर्फ ये सोच कर लेके गया कि उनका घर बसेगा और ये लोग बेइज्जती का मौत मरने से बच जाएगा। जगह, अगर ये जुर्म है तो फिर हमको गोली मारो। जाओ जाओ, हम तुमको अपना खून माफ कर देगा। शुक्र कर जगिया,
रब ने साड़ियां धियां भैणां दी इज्जत रख ली है। साड़ी ते दुआ है जब तक तू जगे रब एहो जे पप्पू खान पैदा कर गई रहे बड़े प्यो ते भरा खुदकशी करन तो बच जाणगे। अगर अभी भी कोई कसर रह गया है तो जगह माल हम तुमको देगाता है, पसंद आवे तो गुली जरूर देना। अब आओ के ना ओए ओए ते मेरी मां बहने नहीं जगह नहीं ये तुम्हारा माँ बहन हो पत्ताने में सांप के कदमों में ना बैठा होता। ये पप्पू खान का माँ बहन है, पप्पू खान का। तुम हमको बेगैरत समझते समझो, पर एक बात याद रखना जगह, हमने 14 लड़कियों का शादी कराया है और अब तुम्हारे पैरों में बैठ के बोलते कि हमारे एक बहन है इसकी शादी करा दो, खुदा ने भरा इसकी शादी करा दो। ओए चक्का है पठान चक्का है, ओए चक्का ते आज आप तेरे पैरा चढ़ के अज तो बाद ऐसा कुवे चक्का नहीं रवेगा, सिर्फ एक पैर का पीर होवेगा, सिर्फ एक पीर होवेगा पठान। तेनू ते इस घर ते सब तो पहला डाका मारना चाहिदा सी। शमशेर खान तेरे पैर तो होर नहीं कोई थां है तो मैंने दस दे सारे जग तो चार जगह उस थां ते खलो के तेनू कुछ कहना है। अग लक्कड़ दे उत्ते होवे या थले लक्कड़ नू साड़ के ही रहती है जगिया। तेरे पैर ते जगह नहीं यार, एक भैन का भरा है। जड़ी गल मैं हथ चुप के नहीं मनवा सकिया और मैं हथ जोड़ के मनवानी चाहना वा। मेरी भैन नू व्याह ले यार, मेरी भैन नू व्याह ले। मैं अपना सिर दाज तेरे घर तोड़ देंगा, तू सिर चुप के लोगों नू कहंदा फिरी के जग्गे नू तू मारे। बड़ी देर नाल इंसान बनिया जग्गिया, बदनाम पैना जे जोर से जिद नाल आबाद हो सकदियां ते हर बदमाश दी भैण इस जग ते सब तो वध सुखी हो। जदों तू सिर्फ त्रास सी ते बदनामी सिर्फ तेरे करता सी, जग्गा बढ़िया ते बदनामी पूरे जग च फैल चुकी है ते बदनाम जग्गे दी बदनाम भैण मेरे घर दी तैली हर किस नहीं कर सकती। ये मेरा फैसला है। शमशेर खान, शमशेर खान, ऐ हाथ पते रहने यार, मेरी एक गल कंड खोल के सुन ले। जे तू मेरी भैन वल कंड करके चंज चाड़ी ते ए जगह एक बारी पैर ते आ गई, अज मैं इत्थे आया वा ते सारा पिंड ते पूरे बंद ने,
सिर्फ तेरा एक बुआ जो जग्गा फिर अच्छे आएगा ते सारे पिंड दे बुए खुले होंगे एक बुआ बंद होएगा और सिर्फ तेरा होएगा तेरा होएगा शमशेर खान देखांगा जरूर देखांगा मेरा बंद बुआ कौन खोल सकता है कोड़े दी तमक सुनी सी ते दिल दी धड़कन बोल पई कि सज्जन आ रहे नस के पिंडो बाहर आ गई मैं भी तेनु यह समझाने वास्ते आया सा लाडो कि अज तो बाद तू अपने दिल नु समझा ले इसलिए कि मेरा कोड़ा तेरे वेली तो बड़ी दूर दौड़ नहीं मैनू पता है जगिया जिस रात तू टुर पे उस रात खलोन ले मेरे कोल कोई थान नहीं पर कोई गल नहीं तू इधर ना आया ते असी तेरे पीछे आवांगे जे ते पीछे पुलिस नहीं आ सकती और ते पीछे तू किन्ना कु दौड़ सकनी है लाडो ए सोच के भूल जाई कि असी सिर्फ विछड़न ले मिले सा कुंडे दाचे कारे मश्वोई
ते माँ प्यो दे घर च एक कोई वारी निकल दिया ने, तू बार बार निकली है पर तेरा सबर हाले भी नहीं मुका, हाले भी नहीं मुका। तेरी मौत का यह सफर एक सूरत च मुक सकता है कि तू मर जा, मर जा, मर जा, तू मर जा। खाना खराब की बच्ची, तुम हमारा कब्र के पीछे भी खड़ा होता तो तुमको कुछ ना होता। अभी तुम जिंदा है, हमारे होते हुए तुमने मरने का कैसे सोचा और क्यों सोचा? पैर सदके तेरे, एक पार चुकन ले मोड़िया ते पार ही पार करी जा रहे हैं, की पता किस पर डिग पावे। मैं मर जाते वीरा, मैं मर जाते। वह हमने तुमको क्या बोला? कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला, पर हम तुमको बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ बोला है। हमने तुमको बोला था कि तुम्हारे लिए मर जाएगा, लेकिन हम बदमाश लोग होता भी तो बहुत पेट भरा है। ए गल्ली वीरा, झूठ मत बोलो, खाना खराब का बच्ची झूठ मत बोलो। इतना अर्थ जगह के कर रहा, उसके घर के आगे पुलिस किया है, बदमाश किया है, लेकिन तुम उसके घर से नहीं भाग, हम गैर था ना। बेशक हमारा सब छोटा था, हमारा घर का दीवार छोटा था, लेकिन हमारा मरना तो देख लेना था, मरना तो देख लेना था। तुम भागा है, आज के बाद हम जिसको बैन किएगा वो हमारा घर का पिछली खिड़की से भाग जाया करेगा। मैं कौन रखेगा, तू भी एक दिन जगह बन जाएगा पप्पू खा। मैं फिर कली रह गई, फिर कड़ा पप्पू खा आके मेरी बहन कहेगा। इससे पहले हम तुम्हारी शादी कर देगा, तो इसके लिए हमको अपना सर देना पड़े। तुम शमशेर खां के पास जाएगा, जरूर जाएगा, और उससे तुम्हारा रिश्ता लेकर आएगा। जगे दी भैन नहीं रहती जिन्हू हर दूजे दिनारे गैरे ने चुक लेना। इस छत हेठ मेरी मंग रहती है, जिन्हू सिर्फ मुंह विखाई ते दिती जा सकती है, पर इहदे बूए ते बक बक नहीं हो सकती। एक तीर नाल दो फट लाई जा रहा शमशेर खान, तेन जगे दिया खबर सुन सुन के ए समझ आ जानी चाहिए थी कि जे जगे दी भैन दूजा वर नहीं देख सकती ते तू भी दूजा कर नहीं देख सकता। वो तेरिया खबर सुन सुन के सिर्फ इन्नी समझ आई है कि तू बेगैरती नहीं, टीट भी है, बड़ा टीट। मेरी भैन दे शगल लैण दा सिर्फ तेन एक ही फायदा शमशेर खां, कि तू जो चाहे मैं कह सकना है। पर एक गल मेरी याद रखी, जिस दिन तू जन चढ़ेगा उस दिन तेरा सिर बट के उनू चेहरे बन देगा। फिर समझ ले, जन जी चढ़ेगी। मैनू हथ चुकर ते मजबूर ना कर शमशेर खान, अपना फैसला ते जबान बदल ले। ओए रेशमा मेरी मंगे ते ओदे शगन करन लई तैनू ओदा वीर बनना पएगा। प्रा बनना बदवाई शमशेर खां, जे तैनू रब ने कदे किसे भैन दा प्रा बना दिता ते तैनू तेरे सिर तो कई सिर उच्चे नजर आणगे। बाद आ जाए। ओए हुण बदवावां ते आ गया जग्गिया। ओए तू बड़ा चीट है, इन्ना ठीक है कि कुछ दिनों तो बाद लोगों ने तैनू सिर्फ जग्गा नहीं जग्गा बेगैर कहना। शमशेर
तेनू मैं आप मारांगा। रुक क्यों गया, गोली क्यों नहीं चलांदा, चला गोली। नहीं आए जे भैन बेवा करन दी रस्म पा सकता ते मैं हूं तक तेन कदों का नेस्त नाबूद कर देना सी जमशेद खान। मैं अपनी हिक रंग के तेनू इना जरूर दस चलिया जे जे तू इस बुए ते तेरे बन के आया बुए तो लेके आसमान तक सारे बुए लाल लाल कर देगा। मलकानिए तेरे भरावा ते साडे यारां नूं जेल गए किन्ने दिन हो गए ने ते याद अज किते बोल सानू बुजदिल समझाई या गैर समझनी है। ना बुजदिल समझनी ना गैर समझे। मैं तेनू याद इसलिए नित किया कि सजे खबे खलोतियां बाहां ते कुछ मान बाहां टुट के बेकार होईयां ने ते मैं तेनू याद कर ले। फेरा दस तेनू तत्ती हवा किस पास आ रही है। मैं तेन सिर्फ यह कहने लिए बुलाया ही रहा कि आज तो बाद तू जगे ना जुद नहीं पाना। जगे दा सिर मैं अपने उस भरा दे हाथ च वेखना चाहनी हाँ जिन्हों ने हथ घड़ी लवाई सी। जगे नाल जुद छड़ दिता ते मेरा सिर चुक जाएगा ते सिर चुका के मैं दूजा सा नहीं ले सकता। इंतकाम दिया सग नू बाली रखी ही रहा जिस दिन जगे दी भैन पप्पू खां डोली च पाण लगे तो उन्हें चुक लिया भी जगा आप ही मर जाएगा। आज ही क्यों ना चुक लिया। नहीं वे सट उदो मारांगे जदो लोया ला सारा दी मलकानी पप्पू खां समेत जगे दी भैन नू चुक के ले आवांगा। तू ना यार जी ना हमारा नाम और छिद्रा मत पूछो। हम जो बात करने आया वो तुम्हारा कानू का कीड़ के कोल के तुमको सुनाने आया। मेरा सवाल एक बारी फिर गौर नाल सुन ले ओए कि अपने वजूद तो भी बड़ी गल कर आला है पंज फुट्टा फितना कौन है कौन है अपन। मेरा नाम पप्पू खाने शमशेर खाना। यार जी हम इधर तुमको सिर्फ एक बात बताने के लिए आया जरा हमारा बात कान का कीड़ी गोल कर सुन कि जो बात पप्पू खान के मुंह से निकल जाओ वो पत्थर में लकीर हो। पप्पू खान का बात बदल सकते उसका बात नहीं बदल सकता। अब सुनाए किना दसे पप्पू खान जे तंकियां देन आया ते जग्गे तो वध ते जे रोप पाण आया ते उस तो भी उच्चा बोल के वखा ते जे कुछ मंगण आया ते फिर चोली पिला। यार जी मांगने के लिए आया बखुदा मांगने के लिए आया है। इधर देखो इधर देखो हमारा इस चोली में हमारा बेन का स्वाग डालते हैं। हमारा बहन का नाम गुडू है वो हमारा नहीं जगह कभी बहन है। उस बदनाम कुड़ी का नाम मेरे सामने न ले आए। हमारा नाम जगह नहीं है
पप्पू खान है पप्पू खान, और हम अपना बहन का नाम ऊंची आवाज में नहीं नीवी आवाज में सुनने को आती है, और जो उस पर इल्जाम लगाए हम उसका जबान अपने साथ खींच कर ले जाते। ये देखो, ये देखो, हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के सवाल किए, तुम बिनोई बन के जवाब दो। खुदा का पारा बिनोई बन के जवाब दो यार, अजीब बिनोई बन के। वो चाहो ना कि चाचा जी हम शादी का तारीख मांगते। चाचा जी शादी का तारीख मेरी थां ते खलो के सोच गैरतमंद पप्पू खां, चुक्कियां हुई भैनों कोई नहीं व्याह के लिया। चाचा जी हम सवाली बन के आपके घर पर आए हैं, और रसूल पाक का हुक्म है कि किसी सवाली को खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। ओके ना जी शमशेर खान, हम इस पाक कथा का कसम खा कर बोलते हमारा बहन का दामन बिल्कुल पाक है, बिल्कुल पाक है। अब तुमको कसम है इस कलाम में पाक का, तुम हमारा बहन से शादी कर लो शमशेर खाना, हमारा बहन से शादी कर लो, शादी कर लो। इधर देखो यार जी, अब पप्पू खान कलाम में पाक पे हाथ रख के कसम खाता है कि क़यामत के दिन हम खुदा से कहेगा कि हमारा हिस्से का जन्नत भी इसे दे दो, हमें दुज़ख भी मंजूर है। पर आज आज हम अपने बेट के लिए जन्नत लेकर जाएगा, और जरूर लेकर जाएगा। पप्पू खान असि जुमे झंझ लेके पहुंच रहे हैं। देर मेहरबानी चाची जी, देर मेहरबानी जी, देर मेहरबानी चाची जी, देर मेहरबानी जी। तेन मुबारक हो गया, तेरी भैन का जुमे ब्याह है। पहलो भी कई बार टुक चुके ने लाडो, डोली मेरे मोढ़िया से आएगी तमन्नांगा। गुड्डो की डोली तो तेरे मोढ़िया से आ जाएगी, पर मैनू भी तो दस मेरी डोली तेरे घर कदों जाएगी। लाडो भैन की डोली उठ लैन दे, फिर तेनू मेरे वालों इजाजत है। बाकी रही ब्याह की गल, रोज जाके अपनी सहेलिया को पुछ ले।
अद्धा पिंड गिरवी रख के तुहाडी जमानत कराई है। सिदा सिर्फ दो ने, एक जगह का जनादा देखने की ख्वाहिश है, ते दूजी ओदी भैन की जंज वेखना चाहनी है। ते सिरे तेरे सिर ते बना भरा तीन ते सिदा सिर्फ दो। कुछ होर मंग रेशमा, ते लगे हाथ भी दस जगह कितने वे, ते जगह की भैन कितने मिलेगी? तुसी सिर्फ जगह नु लभो, ओदी भैन पप्पू खां दे कोल, ते ओदे पिछे मैं तुहाडे यार हीरे नु तोड़ दित्ता। ओए कौन हो तुम? जे पप्पू खां तेरा ना है ते मैं तेरी मौत। अगर तुम पप्पू खां की मौत हो तो पप्पू खां तुम्हारा प्यू है, यानी वाले सैर। अगे तेन चुक के ले जाना सी, हूं तेन कतल करके जावांगा। वो जालिमों अपना हमारा साथ दुश्मनी का वजह बता दो, ताकि तुम्हें तुम्हारी औकात के मुताबिक मौत दे सके। मैं तेरे कोलो तेरे घर की चाबी लैन आया वा, अगली गल मैं तेरी दौड़ ते गोडा रख के दसांगा। घर का दुश्मन गैरत का दुश्मन होता है, और गैरत के दुश्मन को हम कुत्ते की मौत मारते हैं, कुत्ते की। तेरे सिर की जेट रख के जब मलकानी नु जग्गे की भैन का तोहफा दिता, ते जग्गा भी मन जाएगा क्या जुद हीरे ने जितया। हुण दस ऐस निक्की जी कंध पिछे खलोती गुड्डो नु कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? तुम बचाएगा हीरा, तुम बचाएगा। कसम तुम्हारे सिवा अपने से ज्यादा जिद्दी और बहादुर आदमी हमने नहीं देखा हीरा। हमें मारो और मारो, पर हमारा एक बहन है, उसके इस दुनिया में हमारे सिवा कोई नहीं है। परसों उसका शादी है, मैंने अपने कॉल दिया है, अब उसका शगन तुम पूरा करेगा। हीरा, तुम्हारा बहन बहुत खूबसूरत है, ये लो हमारा घर का चाबी। अगर बगैर दुश्मन है तो उसके दरवाजे पर हर रोज एक नया यार लाना, और अगर गलत पर दुश्मन है तो उसके लिए पप्पू खान बन जाना, पप्पू खान बन जाना। मैं तू जमया ते मैं कर कर पतासे वंडे, तू जवान होयो ते मेरे चिट्टे काले हो गए, तेरी जीदारी दे चर्चे सुने ते सारे जग तो उची हो गई, तेरी गैरत मशहूर हुई ते मैं दिन च दस दस बारी हाथ चुके अपनी जिंदगी तेरे नाल आन दी दुआवां मंगियां। जे यह पता होगा कि तू जवान होके बेबस ते मजबूर पैरां नूं बर्बाद कर देना है ते मैं तेरे चमड़े दा गल भावें ना कुड़ी, पर तेरे जीवन की दुआ कदी ना मंगदी, कदी ना मंगदी, कदी ना मंगदी।
दूसरे पुत्र की मां मैं भी हाँ। तैनू मार ते नहीं सकती पर ए बदुआ जरूर देती रहांगी। के रब्बा बेगैरतां दी इस भां नू दुनिया तो चुक ले चुक ले। मरने वाले वीर दी वसीयत तू ही सुन ली है ते मैं भी मान ली है। इज्जत तेरे वासी च अथरू मेरे वासी च ने। दस वे रोंदी भैन तेरे पिछे आ जावे या तेरे नवे हुक्म दा इंतजार करे। जगे की भैन के बुए ते पप्पू खान की चौकीदारी है लाला। पप्पू खान तुहाडे यार हीरे ने कतल कर दिता जे भलवान जी। शमशेर खान ते जगे दे हिस्से दियां गोलियां भर के लाश दे सराहने खलोता है। और सिद्धी नु हाथ जोड़ के आ होए कोई छड़ ले भी छड़ देवे। इधर ए ना होवे कि असि आपे उबल उबल के अपनी आंखें ही छड़ जाइए। आ होए आज शमशेर खान दी पुल भी कर देंगे ते जगे दी भैन नु भी बर्बाद कर देंगे। पप्पू खां कतल हो गया है ते साडे बूहे ते किस पप्पू खां ने पैरा लाता है। ऐ पप्पू खां भी है ते तुहाडा प्यो भी। सज्जन साडा दुश्मन बन के सामने किवें आ सकता है। कदी कदी अंज भी हुंदा नादर किसे ने कदे खूच आप छाल मारनी पै जांदी है। पहला ए दस तैनु जगे ने अपनी बां बनन तो की दित्ता। मैनु मरण वाले ने सिर्फ अपने घर की चाबी दित्ती सी ते मां ने कुछ बद्दुआवां दित्तियां ने ते बैल ने चोली च कुछ अथरू सुटे ने। ऐ सब कुछ मैं अपनी झोली च लैके तुहाडा सजन नहीं हो सकता नादर। हुण तौबा करोगे तां बां बां करोगे तां मैं तुहाडी हवेली नूं हमेशा लई ताला ला के जावांगा। आसमान नु
हथ पान का ख्वाब देखने वाले कितों आए ने? तेरे पहले सवाल का जवाब है वे असी जग्गे दे भराव तेरे दूजे दावे का जवाब है वे ते तू जिन्हां लोकां नूं असी तन दे थू दिखाउण वास्ते घरां तों बाहर कढ़िया असी इन्हां लोकां दे सामने तैनूं बेइज्जत ते बर्बाद कर देंगे बस खलोते मुंह की तक रहे हो इन्हां दोवां दी पट्टी पट्टी कर दिओ नाले ते नस के ने उन बुला अपने वीरों नू आज किस वीर की गुड्डो बेगैरता ज्या खा गई है तकड़ी नू कदी भी चोक नहीं मारी एक दूजे दियां बावां ला के एदे पैरां च सुट सगों एदे तो बात शुरू होवेगी होश कर जग्गिया असीं इत्थे अपनी भैण दा बदला लैण वास्ते अपनी भैन का बदला मेरी भैन को क्यों लेने आ गए हो ओए की पत्ते चकिया ऐ उस नादर की भैन ही जेड़ा अपने भरा की चंद लैके साड़ी भैन के बूहे बद रहा है ते उन्हें चुकन नहीं बद रहा है तक लेना सी होए जे तुसी भी नादर बन गए हो ते फिर अज तक तुसी भी जग्गे दा भरा नहीं रहे जे तू भरा बन के दे मोढ़े नाल खड़ोना जग्गिया ते फिर असीं तैनूं भी नादर ही समझ लैंदे आ फिर ना कहीं इह कर कर दे चीड़े नाल सड़ गया मैं तैनूं अपना फैसला सुना दिता अपनियां बाहां ला के मेरी भैन दे पैरां सुट्टिया समझ के बोल असी तेन चका समझ के मार देनी नाली अपनी हित बल वेख के समझ आ चुकिया तेरी ते साडी रिश्ते दी हर सांस टुट चुकी हूं Thank you.
ਕਿ ਜੀਤੇ ਜਗਿਆ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਪੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਟੁੱਟੇ ਬਾਂ ਮੋੜਨ ਨਾਲ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭੈਣਾ ਦਾ ਪਾਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਤੇ ਇਸ ਲੂਹ ਦਾ ਪਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਏਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੁਣ ਕਦੀ ਨਾ ਮਾਰੀ ਕਦੀ ਨਾ ਮਾਰੀ ਕਦੀ ਨਾ ਮਾਰੀ Thank you.
नहीं जमना। ओए पैन मेरी अवे ते उनु चुकन दे ऐलान तुसी करो इस ऐलान दा अखीर वेखा। मंग मेरी होवे ते तेरे तो बने मैं सिर तेरे मोटिया तो दो बारी लावांगा। एक तो पारंग हो गया। कब्रस्तान दसवा और कोई रंग नजर नहीं आना ते फिर इनू चीर के पूछागा। चाचा ओए जे मेरा प्यो डिग पिया ते अज तो बाद इस जागीर विच प्यो पुत्रां नू ते पुत्र प्योआं नू तरसे रहणगे। चाचा मेरा पार बनानिया बनानिया इना पार मेरे सिर ते ना रख दें कि मैं ला ना सका। चाचा ओए ओए कमलिया चुप कर जा चुप कर जा। जे मैं तियां बनाउणिया जानना वा ते उहनां नूं शगन देण दा बल भी मैनूं आउंदा जगिया। चाचा ओए जगिया धी दा विआह सी ना खाली हाथ मरण वाले प्यो कुछ ना कुछ तो देना ही चाहिए। मेरे पुत्रा जोड़े ना सही जान ही सही। चाचा नादर मेरे चाचे की मौत शहादत की मौत है पर तेन मैं कुत्ते की मौत बनूंगा। सारी बेगैरती दफन कर देंगा मां हूं तोड़ी सजा मैं हाली सोच नहीं सकिया पर जो तुम मरोगे बच्चा बच्चा तुम्हें यह करेगा कि बदमाश नहीं मोए कुत्ते मोए ने। पैरों बहुत कुछ मंगन का हक है रेशमा पर रिश्ता छोड़न तो बाद बेखैरता ने चोली नहीं फुलाई दी। वे हर पैर दाज दे के तोरन वाले जगे को जोड़े नहीं सिर्फ वीरां दी
जोड़ी मांग रही हूं। मेरी जुबान ना वेख जगया, अपना सरफ वेख। ए ना सोचने की मांग रही हूं, ए वेख किदे कोलो मांग रही हूं। इस मिट्टी ने मेरे प्यो दी कंध वेखी है रेशमा, जिस मैदान विचों अज तू एदे कोलो मिट्टी दी मुठ भी मंगेगी ते मैं नहीं देर दियांगा। अज जग्गा भी खाली जाएगा ते तू भी खाली जाएगी। जे रहमत खान नहीं रहा ते जे ते कोई नहीं बचेगा, मेरे शमशेर खान नहीं। और यार तू मेरी भैन नु बड़ी बहुत कुछ देना सी, बस ये समझ ले कि असी अपनी भैन नु देन लई तेरे कोलो दो बैरी मंग रहे हैं। इनकार ना करी यार, तेनू रहमत खान दा वास्ते ही। छड़न दी मेरी आदत ते नहीं, पर जे तेनु खाली हाथ तोड़ दिता ते किसे बगानी पैण ने जग्गे नु वीर नहीं कहना। जा बैरी भी लै जा ते अपने वीर जग्गे दा इंतकाम। पता ही अज जगह जगया जिन्ना भैणा दे मोढ़िया नाल इहो जिहे वीर होण औरतां तो डैणा बन जांदियां ने। तू अपनी भैण दियां खुशियां मना, मैं एक एक बुआ खड़का के ऐलान कर देंगी। जगह बनन लई बदमाशी ते बेगैरती नहीं, गैरत चाहीदी है, गैरत चाहीदी है।